अरे बताया था ब्रयान माटी ब्रयान माटी रे माटी खराब माटी है खराब माटी वो सारी इसे काम में खट्टी जे लैंप खड़े है आधा माक मौड़ा आधा माक मौड़ा मारी पंचायत लगे तो सारे काम ने सीधे मारी पंचायत दो काम मांगी पासपोर्ट के लिए मेरी पीलूघड़ा थाने में वो आ गई थी इंक्वायरी मैंने बोला सर कर दो उन्होंने बोला आपका थाना तो पसंद है नहीं करोगी अच्छा। मैं बोला जी मेरे को दे दो ये उन्होंने दी नहीं उन्होंने हम डाक द्वारा भेजे वो डाक द्वारा पहुंचे नहीं मेरा काम ऐसे ही रह गया जी अच्छा पासपोर्ट ही नहीं बन पाया आपका सपना ही रह गया जी बिल्कुल आपकी ये खबर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक पहुंच जाएगी उन अधिकारियों को भी सलूट करने जा वहाँ जिसने उसका लेवल ले को पास कर रखा ये हरियाणा का पहला ऐसा केस है कि एक गांव दो जिलों में बंटा हुआ है थाना अलग जिले का है पीडब्ल्यूडी का ऑफिस अलग जिले से रिलेटेड है आंगनबाड़ी केंद्र दूसरे जिले में पड़ता है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरे जिले में पड़ता है। मैं हूं जींद जिले के गांव आलन जोगी खेड़ा में गांव के लोगों की समस्याएं जानिए मैं आपका दोस्त करमपाल वीडियो शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें अब बात करते हैं भाईसा नमस्कार नमस्कार जी बताओ ये आपने बड़ी रोचक बात बताई कि हरियाणा का इकलौता ऐसा गांव दो जिलों में बटे हुआ है बिल्कुल ऐसा जी रोचक नहीं ये बिल्कुल हकीकत है हाँ। हमारे गाँव का SHO असंध BDO पिल्लू खेड़ा SDM सफीदो और DSP असंध DC जींद SP करनाल जी तो ऐसा हम सरकार से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँ कृपया करके हमारे गांव को एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा जाए हाँ। ताकि हमें मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। जिला तो आपका जींद में है गांव तो नहीं सर आधा हाँ। तो करनाल है हाँ। और आधा है जींद में आधा जींद में मैंने आपको जैसे की पहले बताया था DC जींद SP करनाल है। ओके पुलिस का काम हो तो करनाल जाना करनाल नहीं पुलिस का नहीं पब्लिक हेल्थ का भी फूड सप्लाई का भी और इसका B&R का भी अच्छा हाँ तो आधे वहाँ है आधे उधर है ठीक है इस करके बच्चा ने कोई ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना पड़ा वो बनता नहीं मेरे पास RM लाइसेंस है RM लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए मेरे को एक साल लग गए हैं देखो पुलिस रिपोर्ट वहाँ से लियाओ फिर वो SP रिपोर्ट देगा SP जींद DC को भेजेगा जित तब वो रिन्यू है और नया तो बनवाने का किसी का सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा और ये कितना पुराना गांव है ये गांव तो जी देख लो भी इस्तेमाल का बचा हुआ है ये बुजुर्ग आदमी खड़े हैं यहाँ बाबूजी इधर आओ कितने साल पुराना गांव है ये थोड़ा नजदीक आओ आप नजदीक आओ कितने साल पुराना गांव है वो क्या जी 300 साल हो गए और ये दो जिलों में है ये कितने साल से है 96 के बाद है। ऐसा जी 1996 के अंदर रामविलास शर्मा जी आए थे गंगा टेढ़ी पोपड़ा हाँ। और उससे मैं यहाँ के गंगा टेढ़ी पोपड़ा कोलखेड़ा और गंगा टेढ़ी की बोटिंग हुई थी उस बोटिंग के बावजूद भी हमारे गाँव ने जींद के मतलब पक्ष में वोट डाले हम जींद जिले में रहना चाहते हैं और जींद में जीत भी गए थे हाँ। उसके बावजूद भी कुछ एक महकमे हमारे करनाल चले गए थे और वो आज तक भी वापस नहीं आए मैं आपके पास कल और मेरे पास उसके नोटिफिकेशन की एक कॉपी भी है हाँ। वो शायद गरा सूट केस में है कल आपके पास मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। गाँव के लोग जैसे इस समस्या को लेकर कभी मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार कई बार मिले पिछले पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया था और उस प्रस्ताव की कॉपी भी हमारे पास में है लेकिन आए नहीं उस प्रस्ताव पे कोई एक्शन हुआ था कुछ नहीं जो आजी अच्छा कुछ नहीं और आपके माध्यम से हमें DC से भी नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँ कि हमारे गांव को करनाल की बजाय जींद के अंदर लिया जाओ तो बिल्कुल अच्छा है जी। अच्छी बताओ गांव कितना बड़ा है कितनी आबादी गांव की कितने को होगी इसको पता होगा गांव के अंदाजा मेरे ख्याल में 600-700 वोट होंगे। आपका शुभ नाम क्या है आपका मां सिंह जी हैं 600-700 वोट है जी। अच्छा यानी कि करीब 350 साल पुराना ये गांव है ना बाबूजी 350 साल पहले बसा था 1996 से ये समस्या है तो अभी जैसे आपने एक तो बताया कि पुलिस के सारे काम वहाँ होते हैं पुलिस के भी हेल्थ के भी वहाँ होते हैं आंगनबाड़ी के भी वहाँ होते हैं ना और कुछ काम जिन जिले में ठीक है तो ये बताओ जैसे यहाँ का जो बच्चों के आपका स्कूल से रिलेटेड काम है एजुकेशन वो कहाँ से जुड़ा हुआ है वो तो जी ऐसा है काम तो सरकारी सुविधा तो इस गाँव में है ही नहीं कुछ भी। अच्छा हम आपको एक बात और बताना चाहूँ हमारे गाँव में एक इरीगेशन का नाला बना था हरियाणा पंजाब के अंदर ऐसा कोई सा भी जे ही नहीं जो उसने पास करके गया होगा और अब जाए की साइड में तो डाउन और आगे खेतों की साइड में आने वाला होना तो चाहिए ऊंचा वो नीचा ताकि नहर का पानी इलाके के अंदर गांव के अंदर आ सके झुंझू सीम की तरफ जाओ झुंझू आगे ऊंचा ठह दिया और उसके बावजूद एक और पब्लिक हेल्थ का महकमा है हमारे गांव में भी वाटर सप्लाई की टंकी बननी लग रही है हमारे को सुनने में ऐसे यहाँ है कि उसका भी पानी वाया तेली खेड़ा होगा जी आलन जोगी खेड़ा के अंदर आएगा वो भी पहले नीचे के अंदर जाएगा नीचे बस फिर आगे जाओगा। अच्छा
भाई आपको यही बता दें कि ये जो आलन जोगी खेड़ा गांव है, आलन जोगी खेड़ा अपने सफीदो हल्के में पड़ता है, विधानसभा सफीदो है। आप जामनी से आप आएंगे रिटोली, और रिटोली से आलन जोगी खेड़ा 152D गांव के पास से गुजर रहा है, पास से गुजर रहा है। विकास का एक बड़ा रास्ता तो आपके गांव से गुजर गया, लेकिन आपका गांव विकास से अछूता है, बिल्कुल अछूता है जी। ठीक है, गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है वो बताओ। सुविधा तो नाम की तो जी कुछ एक सुविधा है, लेकिन जो समस्या है नहीं, एक तो गांव की मुहागर बयान माटी, एक रेर माटी, रेर माटी हो रही है, सुविधा कड़ी थी। ओके, आप गांव के अभी सरपंच वर्तमान है, क्या शुभ नाम आपका? अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, हम तो गांव में है जी, हमारे कुछ भी ना कोई सुविधा सरकारी ना कुछ है, पूरे तो जी जमा कुछ है। अच्छा, स्कूल कौन सी क्लास तक का? स्कूल प्राइमरी तक का है, पांचवी तक का है। पांचवी तक, तो उसके बाद फिर हाई एजुकेशन लेने कहां जाते हैं बच्चे? बस गांव में जाते हैं जी, शहर में पिल्लूगढ़ा जाते हैं, पोपड़ा जाते हैं, गंगटड़ी जाते हैं। अच्छा, ओके। आज तक जी यो गांव हरियाणा रोडवेज की बस से भी वंचित है। अच्छा, इस गांव में कभी मेरी शायद 48-49 साल की है झोली, मैंने इस गांव में कभी भी आज तक हरियाणा रोडवेज की बस नहीं आंधी जानती देखी। तो फिर आप लोग कहाँ कैसे जाते हो? आपने अरे बताया था बयान माटी, बयान माटी माटी खराब माटी है, वो सारी इसे काम में खट्टी सारी इसे काम हो रही। बाबा जी आगे भी दिल की बात बताऊंगे, इधर मुंह करो कैमरे की तरफ, इधर मुंह करो। हाँ, अब महाराज ने खास समस्या वाले सुना देनी, बताओ। जे लैंप खड़े है आधा मक मौड़ा, आधा मक मौड़ा। हाँ, मारी पंचायत लगे तो सारे काम ने सीधे, मारी पंचायत दो काम मांगी, हमारी पंचायत लगनी होंगी जी। इस चीज का क्षण क्या है आपके पास? एक तो आलन जोगी खेड़ा, एक तेली खेड़ा। हाँ, दो गांव की मिलाकर एक पंचायत, एक पंचायत है। अच्छा, हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो सरपंच दोनों गांव का एक बनता है, एक बना है। इस बार इस गांव का सरपंच है, उस गांव का? इस गांव का। अच्छा, इस बार इस गांव का सरपंच है। इस गांव की वोट बताई आपने, 650 के आस पास है, 750 वोट। उस गांव की वोट कितनी है? उसकी 350 है, 350 है तेली खेड़ा की। हाँ जी, ठीक है। तो बजट विकास का पंचायत डिपार्टमेंट से कुछ आता है गांव में? पूरा तो आवा है। अच्छा, फिर वार्ड भी तो लग गया उस गांव में भी, उस गांव में भी लगता है। हाँ, दोनों का डिवाइड करना पड़ता है, बराबर। हाँ, बराबर। हाँ, है। हाँ, ठीक है। तो आप ये कह रहे थे कि एक तो जिला अलग होना चाहिए है? जिला तो अलग है। हाँ, मारा 100 का जोड़ दो पंचायत का है, पंचायत अलग होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जैसे पिछली बार हरियाणा सरकार ने कुछ नई पंचायतें बनाई थी। हाँ, गांव के लोगों ने, आओ सरपंच साहब थोड़ा आ गया हो, क्या आप लोगों ने अप्लाई किया था? नहीं किया था, नहीं करया नहीं जी किसी ने। अच्छा, लेकिन जैसे बुजुर्ग तो इतनी समस्या बता रहे, फिर अप्लाई क्यों नहीं किया गांव ने? क्या मैं ये समस्या, बिल्कुल भारी समस्या जी। फिर अप्लाई क्यों नहीं किया गांव के लोगों ने? बस नहीं किया जी। अच्छा, एक बार करया था, टोटाला साहब आए थे गांव में, एक बार करया था, टोटाला साहब आए थे। अच्छा, काफी दिनों पहला जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम में उस गांव के कुछ लोग मना कर गए थे। अच्छा, यहाँ से भी अपना टाल में टोल करके उस पीछे फिर वैसे क्योंकि अभी जो गेमाना है उसके पास साथ एक और गांव लगता है, वो जींद जिले में भी नई पंचायत इस बार बनी थी। हाँ, और नई एक पंचायत बड़ी है जींद जिले में। हाँ, तो बाबा गांव के लोगों को अप्लाई तो करना चाहिए इस तरह से, सही है, जरूर है। हाँ, ये तो कह रहे हम ही बाप दो रखे तो रहे हैं जी, ये इस चीज का दिन भाषण कर दे हमारी पंचायत अलग है जो मैं उड़े बैठे बैठा सुनू मार देखा पंचायत का भी नाम आओ। चलो आओ भाई, युवा हो कुछ साथी, आज जो भी बोलना चाहे आओ। आप बताओ कि गांव के लोगों को, जैसे दो जिलों में डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, आप यूथ हो, क्या करते हो आप अभी? मैं तो मनी में करता हूँ। क्या नाम आपका? महिपाल जी। तो गांव के लोगों की समस्याएं, आप जैसे यूथ हो, जो युवा बच्चे पढ़ते हैं, उनको कितनी समस्याएं होती हैं अपने कामों के लिए? कभी करनाल जाते हैं, कभी जींद जाते हैं, होती समस्या का भी है जी। अच्छा, मेरे साथ 10 साल पहले हो चुका है। अच्छा, मैं उसके लिए अपार्टमेंट किया था, ये पासपोर्ट के लिए। मेरी पिलूगढ़ा थाने में वो आ गई थी इंक्वायरी, मैंने बोला सर कर दो, उन्होंने बोला आपका थाना तो पसंद है नहीं करोगी। अच्छा, मैं बोला जी मेरे को दे दो ये, उन्होंने दी नहीं, उन्होंने हम डाक द्वारा भेजे, वो डाक द्वारा पहुँचे नहीं, मेरा काम ऐसे ही रह गया जी। अच्छा, पासपोर्ट ही नहीं बन पाया आपका? सपना ही रह गया जी। बहुत समस्या है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, सारे गाँव परेशान है जिससे। पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव परेशान है, सभी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है, आम इंसान भी परेशान है। अच्छा, गांव के जैसे बुजुर्गों की पेंशन है, इससे रिलेटेड मान लिया कोई नई बनवानी हो, कटवानी हो, उसके लिए कहां जाते हो फिर? उसके लिए जी शायद जींद जाते हो। अच्छा, कुछ महकमे यहाँ है, कुछ संद में है, कुछ इसमें करनाल में, कुछ जींद में सर, कुछ जींद में। हाँ, ये तो इन्होंने बताया है। तो लेकिन ये बताओ कि जैसे अभी
डिप्टी सीएम तो यहाँ आने वाले हैं, और जैसे अभी जिला जो जींद के डीसी हैं, कभी इनके पास लगातार आप मिलते हो या नहीं मिलते? नहीं, हो मिलेंगे जी, नहीं मिलते। तो जी अभी आए हम के। अच्छा मिलेंगे। हाँ मनोज कुमार हैं। बहुत बढ़िया डीसी साहब हैं जी आपने, मैं दो तीन बार मिला हूँ, बल्कि मिलने से पहले वो जितनी भी जनता जावे नी हर बार मेरे को पहला डीसी ऐसा दिखा जो शिकायतकर्ता को भी और काम करवाने वाले व्यक्तियों को भी चाय पिला के भेजता है। महा मनोज यादव बहुत बढ़िया डीसी हमारे। चलो डीसी तो बढ़िया है, लेकिन आपकी समस्या का हल हो तब बात बने। समस्या का समाधान तो जी चंडीगढ़ से होगा। मेरी बात भी होती डीसी साहब से तो नहीं बोले भाई चंडीगढ़ से बात होगी। जो भी डिपार्टमेंट चेंज होंगे नहीं तो चंडीगढ़ से चेंज होंगे। चंडीगढ़ से चेंज। हाँ डीसी चेंज देखो डीसी चेंज बहुत बढ़िया जी। चलो बहुत बढ़िया। और गाँव की आगे आगे बताओ बाबा, जो बताओ आगे आगे बताओ। के हल्के से हमारी सरडकारी है। हाँ। फिर नहीं अब छोड़ दी वा न्यून रिचोली से गांव मारी है वह भी ओड़ी छोड़ दी। अच्छा। या क्रॉस होनी चाहिए जी हमारी, दोनों मिलनी चाहिए। रास्ता तो नहीं बस चल सका उस पर जी, वह तो ओड़ी छोड़ दी कैसे चलेगी? आगे रास्ता नहीं, रास्ता ही कौन खड़ी थी। ओके आपका शुभ नाम बताओ। भीम सिंह जी। भीम सिंह जी आपका शुभ नाम क्या बताया? देवी सिंह जी। देवी सिंह जी है। चलो भाई ये हाँ। सड़क वाली मारे भी या भी जरूरी मेहरबानी होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी ये खबर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक पहुंच जाएगी, ठीक है? और यहाँ डिप्टी सीएम आएंगे उनसे भी हम ये बात करेंगे। आपके बड़े अधिकारी है नी जिन नाला पास कराया है, और वो नाला एक बार उस नाले के उन अधिकारियों से पूछियो के जवाब देंगे। चलो उस नाले पर हम चल के एक वीडियो बनाएंगे, है ना जी? जी हमने 4 साल में जो मंजूर करा था हमारा पक्का हो जाए, क्यूँ गांव जज्बा बहुत दूर है। अच्छा 5-4 किले सही करके एकदम 4 खड़ों जो उनको ठह दिए 1 फुट आगे ऊंची है ऊंची सीम पे पुल बने रहा आई बेगा, और तो आगे उड़ान पानी नहीं आंदा। अरे ट्यूबला का साधन नहीं उड़े, नहर नहर का साधन था, वो भी 2 साल घर बैठे हैं। घर बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल। पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर तो उस वर्ग का नाला बन नहीं रहे। नहीं आसन की बात नहीं जी, देखो जी ऐसा मारू गांव में पानी आओगा तो खेतम खान के दाने होंगे, जब पानी नहीं आओगा तो होगा के। और जी बताऊ हम तो एक और है जी, उन अधिकारियों को भी सलूट करने जाऊँ हाँ जिसने उसका लेवल ले को पास कर रखा वो पास कर रखा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये एक व्यंग है, एक दुख है इन लोगों का कि वो नाड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा दुख इस गांव के लोगों का कि जो अलग अलग ज़िलों से गांव के लोगों को काम पड़ते हैं, 2 जिलों में बटे हुए हैं हरियाणा का इकलौता गांव, और शायद सरकार इसकी सुध ले, गांव के लोगों को राहत मिले। गांव के लोगों का रुझान ये है कि उसको जींद ज़िले में शामिल किया जाए, उसके सारे जो डिपार्टमेंटल काम है, सारे विभागीय काम है वो जींद से हों। मैं आपका दोस्त कर्मपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।